राजधानी के श्यामनगर स्थित लायंस वृद्धाश्रम बुजुर्गों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जिस माँ ने बच्चों को थपकी देकर सुलाया, जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वे उम्र के उस आखिरी पड़ाव में 2 जून की रोटी के लिए बच्चों के लिए बोझ हैं। उन्हें जीवन के आखिरी पड़ाव को वहाँ आश्रम में गुजारना पड़ रहा है। जब ग्लिप्स टीम श्यामनगर स्थित लायंस वृद्धाश्रम पहुंची, तो वहां मौजूद बुजुर्ग महिला व पुरुष प्यार भरी नजरों से हमें देखने लगे और हमें अपने पास बैठाकर अपने गमों को छिपाकर हमसे बात करने लगे, जैसे कोई अपना उनसे मिलने आया हो। जब हमने आश्रम में रहने वाली गुड़ियारी निवासी गिरजा अवस्थी से बात की, तो उन्होंने बताया कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। वे अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव इस आश्रम में गुजार रही हैं। ये आश्रम उन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसी तरह हमने गुजरात निवासी अनिता टॉक से बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी नहीं की है। वो अपने भैया भाभी के पास रहती थी, लेकिन उनके ऊपर बोझ ना बनूं इसीलिए यहाँ आकर रह रही हूँ। मैं यही क्यों बेटा, रायपुर कैसा लग रहा है यहाँ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने समय हो गए यहाँ आए? अभी मैं 5-6 महीने से आई बेटा। और परिवार में और कौन कौन? मेरे भैया भाभी है, मेरी बहन है, बस वही हम। अब बच्चे होते नहीं? मेरे मैरिज नहीं होगी, नहीं करी मैं। ऐसे तो मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। अभी मेरे भैया भाभी के पास आई, पहले गुजरात में थी मैं जी। अभी भैया भाभी रायपुर में रहते हैं, तो रायपुर में आई थी मैं। यहाँ आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कभी कभी परिवार के लोग मिलने आते हैं। वे खुद भी यहाँ से उनके पास मिलने जाते हैं। यहाँ ये सभी बुजुर्ग महिला व पुरुष अपने घर में कला कलेश व परेशानी के चलते आश्रम में रहने को मजबूर है। बताया जाता है कि आश्रम का संचालन 6 जून 2000 से किया गया है। वर्तमान में आश्रम में 23 महिला और 13 पुरुष हैं। आश्रम की देखरेख डॉक्टर अरविंद मेरर करते हैं, जो यहाँ के चेयरमैन हैं। यहाँ पे 7 महीने हो गए। कैसा लग रहा है आपको? अच्छे लग रहा। खाना वाना सब ठीक है? सब अच्छा। परिवार में और कौन कौन? भाभी है, भैया है, एक बहन है। शादी वादी नहीं की? अभी नहीं। मैं भिला से आई है। भिला में बहुत रिश्तेदार है, लेकिन रिश्तेदार देखने वाला करने वाला कोई नहीं है, तो इस कारण में हम देख लोगों, इसलिए हम वहाँ से भिला से यहाँ पर आ गई है रायपुर वृद्धाश्रम में। तो आके देखे जो मेरे को जब घर से बहुत अच्छा लगे है, तो अच्छा लगे तो मैं जब आए हैं यहाँ पर, तब मेरे को यहाँ पर अच्छा लगे। मेरे को मन में टीके है, सब कुछ है, मेरे जितना सुख शांति दूर है सब दूर हो गई है। मेरा एक ही लड़का था, वो मर गया, उसके बाद मेरा कोई नहीं था, अकेला था मैं बस। फिर यहाँ मैं यहीं शिफ्ट हो गया, उसके बाद में यहाँ रह रहा हूँ अच्छे से। यहाँ कुछ तकलीफ हो गई शरीर का, जो आँखों से नहीं दिखता रहा, इसलिए यहाँ आ गए हम। हमारी एक तो लड़की है, इसलिए और कोई नहीं है, यहाँ से सुख शांति से रहते हैं। मेरा नाम है रमणिक लाल टांग, मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ। राजनांदगांव नांदगांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी एक्सपायर होने के बाद मेरा कोई लड़का भी नहीं है, एक लड़की है जो यहाँ आ जाती है रायपुर में। उनके कहने से मैं यहाँ पर आश्रम में भर्ती हुआ कि तो आपके यहाँ देखभाल भी होगी और आप अकेले के क्या करेंगे, तो यहाँ पर आती मिलने आती है। जी हाँ, हम भी जाते हैं घर में, वो भी आते हैं, कुछ भी खाना पीना भी दे भी जाते हैं, हम भी वहाँ जाकर भोजन कर लेते हैं। कृष्णा चटर्जी हैं, मैं रायपुर टिकरा पाड़ा से हूँ।
मैं इसलिए आई हूँ, घर में मतलब ये नहीं है, मेरा बेटा भी है बहू भी है लेकिन दोनों की पट्टी नहीं है, मेरे बात कोई नहीं सुनता, तो मैं ही निकल आई। अब तुम लोग मरो जियो कुछ भी करो, मिलने भी नहीं जाती, जाती हूँ, नाती पोती लोग आते हैं मिलने। यहाँ कैसा लगा? हाँ यहाँ तो ठीक लग रहा है, सब जन के बीच टाइम पास हो जाता है, और क्या चाहिए। वो जो है ना लड़के है, लड़की बीमार रहती है, काम करते जरूर है, अब हम मैं भी काम करता था, अब शरीर शिथिल हो गया, अब शरीर शिथिल हो गया तो काम तो बंद करना पड़ेगा, बंद कर दिए तो फिर गड़बड़ होने लग गया। अब लड़की अब कितना चलाएगी भैया मेरे को, अब माँ बैठी रहते हैं ठिकरा पारा में। आपको कितना समय हो गया है? ये 1.25 साल हो गया। क्या करते थे इससे पहले? पहले सिलाई करता था, सिलाई। अभी ठिकरा पारा में आपकी पत्नी और बेटी? हाँ आता जाता रहता हूँ, वैसे वो लोग भी आते जाते हैं। आपको बताएं, इस आश्रम की दिनचर्या सुबह से ही शुरू हो जाती है, जिसमें सुबह 4 बजे सोकर उठने के बाद जिसका मन होता है वो योगा करता है, और जिसका मन होता है वो मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता है। उसके बाद सुबह 7:30 बजे चाय पीते हैं और 9 बजे से 10 बजे के मध्य नाश्ता करते हैं, तथा दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच खाना खाते हैं, और फिर शाम को 7 बजे आश्रम परिसर में बने भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। रिलायंस वृद्धाश्रम विगत 20 सालों से चल रहा है, मुझे आए हुए यहाँ ये 15वां साल है। यहाँ सुबह 4 बजे उठते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग घूमने जाते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं। सुबह 7 बजे यहाँ चाय हो जाता है, 6:30-7 के बीच में चाय हो जाता है, चाय बिस्किट। उसके बाद सब लोग नहाते धोते हैं, नहाने धोने के बाद 9 और 10 के बीच में हमारा नाश्ता हो जाता है। उसके बाद भी नहाते धोते हैं, कुछ लोग पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। 12 और 1 के बीच में भोजन हो जाता है। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं, आराम करते हैं। 4 बजे फिर चाय बिस्किट होने के बाद लोग घूमते फिरते हैं, टीवी देखते हहैं, समाचार पत्र आता है, 3-4 समाचार पत्र हमारे यहाँ आते हैं। शाम को 7 बजे आरती होती है, यहाँ हमारे यहाँ भोलेनाथ की मंदिर है। आरती के बाद फिर रात का भोजन करते हैं। 9-9:30 बजे तक यहाँ टीवी चलता है, जिसमें अधिकतर लोग बैठ के देखते हैं। 9 बजे के बाद फिर सब अपने अपने कमरे में आराम करने चल देते हैं। यहाँ अभी वर्तमान में कितने लोग हैं? वर्तमान में अभी यहाँ 23 महिला हैं और 13 जेंट्स हैं, और 36 हो जाते हैं हम लोग। यहाँ की व्यवस्था यानी यहाँ की समझ जाइए, चेयरमैन जो है डॉक्टर अरविंद मेरल हैं, उनके निगरानी में ये सब यहाँ का कारो ये चलता है सब। मैं 15 साल से यहाँ हूँ और वैसे मेरी उम्र 80 साल है। मैं जब यहाँ आया था तो ये सोच के आया था 2-4 साल काटना है घरों परेशानी से। मैं जिस स्थिति में आया था उससे बेहतर स्थिति में मुझको ऐसा लगता है कि 10-20 साल और खींच लूँगा मैं। अपने जीवन में मैं सरकारी नौकरी भी किया बहुत सारी, 80 साल की उम्र बहुत लंबा उम्र होता है। इतना शांति मुझको अपने जीवन में कभी नहीं मिला जो मुझको इस आश्रम में आकर मिला। यहाँ हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो सभी का बड़ा ख्याल रखते हैं। Log on to www.clips.in.